दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। दोस्तों इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपको एडिट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से, व्हाट्सअप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज नया क्या है। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं दोस्तों और व्हाट्सअप आते हैं मेरे पास, जिसमें बार बार एक ही सवाल मेरे से पूछा जाता है कि सर हम फुटेज कटिंग तो कर लेते हैं पर वो रिस्टोर नहीं होता है, या फुटेज किस फॉर्मेट पे कटिंग करनी है कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा उस फुटेज को, फुटेज की टाइमिंग क्या होगी, फुटेज की फॉर्मेट क्या होगी। तो आज हम इसी सब बिंदुओं पे बात करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे कि हम फुटेज को सही तरीके से किस तरीके से कटिंग करेंगे कि वो EDS का प्रोजेक्ट उसे एक्सेप्ट कर ले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे कटिंग करना है। सबसे पहले हम EDS स्टार्ट करेंगे। आप EDS का कोई भी वर्जन चला रहे हो, EDS 7 हो, 8 हो, 9 हो या 10 हो, फॉर्मूला एक ही है। आप किसी भी EDS पे काम कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। दोस्तों EDS के स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले फ्रेम चाहिए होगा कि आपको किस फ्रेम में कटिंग करनी है। हमें फुल HD में कटिंग करना है MP4 फॉर्मेट में, तो हम ये फ्रेम लेंगे यहाँ पे 1920x1080 25p 16.9। इस फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे, EDS हमारा चालू हो जाएगा उस फ्रेम के साथ। अब हम क्या करेंगे, हमें वो क्लिप चाहिए जो हमें कटिंग करना है फुटेज का। तो इसका सबसे सरल तरीका मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप रखे हुए शादी के अंदर जा करके, जैसे मान लीजिए हम चले जाते हैं यहाँ पे, मैंने एक शादी रख रखी है, ये हमारा शादी है। अगर हम यहाँ से एक एक करके अगर हम क्लिप उठाते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका सबसे शानदार फार्मूला यह है कि हम यहाँ से नहीं उठाएंगे, हम EDS को मिनिमाइज़ कर देते हैं, जहाँ हमने शादी रखी हुई है उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके हम उस जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमारा क्लोजअप शूट किया गया हुआ है, उतने जगह को हम सेलेक्ट कर लेंगे जितना फुटेज है, कॉपी कर लेंगे और हम एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेंगे, ठीक है, क्लोजअप के नाम से, और इसके अंदर हम उसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। पेस्ट होने के बाद वापस हम और देख लेंगे कि हमारा और भी क्लोजअप है क्या उसमें, कपल और गर्ल हमें मिल गया है, बॉय की दिक्कत है, बॉय का फुटेज हमें चाहिए होगा, बॉय का यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ से हम इतना ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसी फोल्डर में वापस से रख लेते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमें बार बार जाकर के छांटना नहीं पड़ेगा, हमें एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा। EDS को हम फिर से ओपन कर लेंगे और बिन पे डबल क्लिक करके डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था, उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और जाने के बाद कंट्रोल ए करके आल सेलेक्ट करके हम एंटर कर लेंगे या ओपन कर लेंगे, ये सारा हमारा बिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कटिंग करना, दो चार मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सारा कटिंग करूँगा दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, समझने और समझाने से मतलब है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कपल का फुटेज उठा करके हम अपने टाइमलाइन पर रखेंगे, रखने के बाद हम इसकी ऑडियो को म्यूट कर देंगे, नहीं तो अगर ऑडियो के साथ हमने रेंडर कर दिया तो ये बार बार जहाँ भी क्लोजअप आएगा वहाँ पर ऑडियो बार बार आपका शादी के अंदर शो करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी ऑडियो म्यूट कर देंगे, यहाँ पर हम आई बटन प्रेस करके इनका सिंबल लगा लेंगे और 25 सेकंड की टाइमिंग पे हम जा करके हम 25 सेकंड पे एक आउट का भी सिंबल लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका शो करेगा 25 सेकंड, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लेड लगा करके वो दबा करके मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, फुटेज को एक बार प्ले करके देखना है कि फुटेज हमारी प्रॉपर तरीके से सही है या गड़बड़ है या हिला हुआ है, जो ख़राब होगा उसको हम कट कर देंगे और कट करके डिलीट कर देंगे, प्ले करके देख लेंगे। और दोस्तों अगर ज़्यादा जर्क है या थोड़ा गड़बड़ है आगे या पीछे से तो हम उसे कटिंग करके हटा देंगे और इसे सेलेक्ट करके हम कंट्रोल और इसे सेलेक्ट करके दोस्तों अल्ट के साथ हम ई प्रेस करेंगे और इसको हम स्लो कर देंगे 40% या 30% या 50% पे, और उसके बाद हम इसको फिर आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो जर्क है वो ख़त्म हो जाएगा और फुटेज जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसे
एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है, दो तरीका है, हम कीबोर्ड से F11 भी प्रेस कर सकते हैं या यहाँ से फाइल में जा कर के एक्सपोर्ट में जाएंगे और एक्सपोर्ट में हमें यहाँ पे प्रिंट टू फाइल का ऑप्शन आता है, इसका शॉर्टकट की F11 है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आपको नए सिरे से बताते हैं, आपको ये प्रीसेट चाहिए होगा H264 AVC, इसको क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में चार ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको यहाँ AVC सेलेक्ट करना है H264 का। एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे और ये हमसे जगह पूछ रहा है कि हमें कहाँ रखना है, तो हम इसको डी ड्राइव में एक जगह बना देंगे। जैसे कि आपको जो फुटेज रखना है मेरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो आपको ये फोल्डर चाहिए होगा प्ले एडिट फुटेज के नाम से, इस फोल्डर के अंदर आपको सेव करना है इस नाम से, ठीक है। B01, B02, B03, B04 से लेकर के आपको B05, 5 फुटेज आपको बॉय के चाहिए, C01 से लेकर के और C07 तक आपको यहाँ से ये 7 फुटेज आपको कपल के चाहिए, 7 यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और गर्ल का भी आपको 7 चाहिए, G01 से लेकर के G07 तक आपको गर्ल का फुटेज कटिंग करना है। यहाँ इतने फुटेज आपको रिप्लेस कराने हैं दोस्तों, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे करना है मैं एक करके दिखा देता हूँ, आप वहाँ कॉपी भी करके रख सकते हैं या उसको रिप्लेस भी करा सकते हैं, दोनों फॉर्मूला है, ठीक है। ये कपल था, मैंने बॉय से रिप्लेस कराया, आपको कपल से रिप्लेस कराना है, ठीक सेम प्रक्रिया आपको दोहरानी है गर्ल के ऊपर भी। हम कट कर देंगे जहाँ से खराब होगा, स्लो मोशन करके हम 40% पीस को भी स्लो कर लेंगे और हम कॉपी पेस्ट करके इसको हम टाइमलाइन पे अपना पूरा कर लेंगे। कीबोर्ड से हम F11 प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद फिर हम सेम वही प्रक्रिया दोहराएंगे, हमारा गर्ल है तो हम गर्ल से रिप्लेस कराएंगे, पहले हमने बॉय से रिप्लेस करा दिया था पर अब ऐसा नहीं करेंगे, हम गर्ल का है तो गर्ल से ही रिप्लेस कराएंगे। और आप देखेंगे कि ये हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। दोस्तों एक अहम चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो टाइमिंग है यहाँ पे जो इन आउट लगा हुआ है ये 25 सेकंड पे लगा हुआ है, पर ये फुटेज की जो हमारी लेंथ है 42 सेकंड और 14 नैनो सेकंड है, ठीक है, 42 सेकंड से थोड़ा सा ऊपर है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अब जब हम F11 प्रेस करेंगे इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ये चेक मार्क लगा होना चाहिए एक्सपोर्ट बिटवीन इन आउट, अगर ये आपका चेक मार्क नहीं लगा हुआ है तो ये आपका 42 सेकंड ही पूरा निकाल देगा, ये आपका जितना इन आउट लगा हुआ है सिर्फ उतना निकालना है, तो ये चेक मार्क लगा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चेक मार्क नहीं है तो आपका पूरा का पूरा 42 सेकंड या 45 सेकंड या 1 मिनट 1.5 मिनट जितना आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ना ये पूरा निकाल देगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये चेक मार्क होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी सारी क्लोजअप जब कट जाए तो आपको डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेना है प्ले एडिट फुटेज के नाम से और इसके अंदर ला करके आपको रिप्लेस करा देना है, सारे फुटेज को रख देना है, 5 बॉय के 7 कपल और 7 गर्ल। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जब आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो ये सारा फुटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर हमेशा एक्टिव रहता है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या PC से संबंधित कोई प्रॉब्लम है जो अगर कोई सोल्यूशन नहीं दिलवा रहा आपको तो आप उसके विषय में भी जानकारी ले सकते हैं, फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी दोस्तों ये चैनल आपको अगर नई जानकारी देता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नया आप सीख रहे हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इसी तरीके की आपको जानकारी वेडिंग से संबंधित इस चैनल पे हमेशा मिली है और मिलती रहेगी। दोस्तों मैं हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहता हूँ कि आप लोगों की हर तरीके से मैं मदद करूँ, तो दोस्तों इस चैनल के लिंक को और भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग जुड़ करके लाभ ले सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। बाकी दोस्तों अगर आप डेमो देखना चाहते हैं, अगर आपको डेमो देखने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में डेमो का लिंक है, आप वहां से जाकर के डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, मेगा का आपको लिंक मिलेगा और डाउनलोड करके आप डेमो प्ले करके देख सकते हैं। बाकी किसी तरह की अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक खास जानकारी और दे दूं कि जो पीछे मेरे पहले वाले जितने भी सारे प्रोजेक्ट थे वो नए वाले चैनल पे नहीं है, जिस चैनल पे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको पुराना वाला सारा प्रोजेक्ट आपको चाहिए, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उस चैनल का नाम है EDS प्रोजेक्ट डेवलपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओल्ड चैनल के नाम से, आप उसको क्लिक करके और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर अपलोड सारे वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने काम में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या किसी नए प्रोजेक्ट के साथ।
तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।